मैं मीनाक्षी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए या फिर आपको कुछ स्नैक्स खाने को मन करे तो जल्दी से घर पे जो सामान है उससे बनने वाली एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ जिसका नाम है पियाजी। ये रेसिपी को ओडिशा और वेस्ट बंगाल में काफी खाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पियाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को एकदम पतला पतला लंबा लंबा काट के रखा हुआ है। इसे हम थोड़ा सा खोल लेते हैं साथ में। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, 6 बड़े चम्मच बेसन, यह है पानी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करने के लिए से हाथ में थोड़ा सा मसल लेते हैं। इससे बहुत आसान हो जाता है हमें प्याज ही बनाना। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं, धनिया, हरी मिर्च, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये सारे चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच के बेसन डाल देते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा थिक बैटर बना के तैयार करेंगे। जो बैटर हम पकौड़े के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक बैटर बनाएंगे हम। बहुत ज़्यादा पानी हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आप 1-2 चम्मच बेसन और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और 2 चम्मच बेसन बचा हुआ है तो अब इसको भी डाल देते हैं और मिला लेते हैं। ये हमारा ऐसे ही बैटर बन के तैयार होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं और इससे ज़्यादा थिक भी नहीं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम होने रख दिया है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तेल गरम है कि नहीं। ये देखिए प्याज ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल गरम है। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम में हमें जो बैटर बना के रखे थे उसमें से एक बॉल जैसा बनाना है और इसको डाल देना है तेल में। जितना बॉल आपका एक साथ आ जाए उतना ही डाल दीजिए। इसे हाथ में लीजिए और इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही बाइंड करके इसको डाल दीजिए मीडियम फ्लेम में। इसे हम 2-3 मिनट के लिए उलट पुलट करते हुए चारों तरफ से थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इसको एक बार हम फिर से तलेंगे। 80% जितना कुक हो जाए उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल के टिश्यू पेपर में रख देते हैं और सेम प्रोसेस में बाकी के सारे पकौड़ा बना के तैयार कर लेते हैं। ये सारे पकौड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बस हल्का हल्का गर्म है। अब एक पकौड़ा ऐसे बोर्ड पर रखते हैं और एक कटोरी में इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करते हैं जिससे ये फ्लैट हो जाएगा। इस सेम प्रोसेस में हम बाकी के सारे पकौड़ा को ऐसे प्रेस कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। तेल गर्म है, गैस के फ्लेम को हम लो में रखेंगे और लो फ्लेम में इसे उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट लगते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक साइड से 1-2 मिनट सिक जाने के बाद हम उसको उलट पलट करते हुए दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसके लिए हमें गैस के फ्लेम को एकदम लो रखना है, लो फ्लेम में ही इसे पकाना है। ये प्याजी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर ले आते हैं और सेम प्रोसेस में बाकी के सारे प्याजी बना के तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म अपनी मनपसंद की चटनी के साथ सर्व करें। आपको ये पियाजी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।